हेलो अमन जी, गुड इवनिंग जी, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा तो अपने दोस्तों के साथ। राजीव स्टूडेंट ऑफिसियल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। थोड़ा जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा तो आप लोग को 2 मिनट का टाइम देते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितना भी ग्रुप है जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। प्रिंस पासवान, हाय सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन बाबू, थोड़ा जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा, 2 मिनट और दे रहे हैं। आज बाबू थियोरिकल है, इसलिए जोड़ना बहुत जरूरी है, थ्योरी बहुत जरूरी है। रवि स्टूडेंट ऑफिशियल शुरू कीजिए सर। कर रहे बाबू, कर रहे हैं, टेंशन कर दे रहे हैं, थोड़ा जोड़ने दीजिए सबको।
रमेश कुमार सर चश्मा बहुत मस्त है। अरे यार हम आदमियाँ मस्त है तो चश्मा का क्या बात कर रहे हैं। थोड़ा शेयर कर दीजिएगा बाबू जल्दी जल्दी। अरे क्या राजीव टॉपर हुआ है, एकदम टॉपर है जी। अरे आज का क्या सेक्शन था बाबू? इसके पहले कहाँ तक पढ़ाए थे देखिएगा तो। अरे धीरज कुमार बाबू हीरो ना है, हमें टीचर है हीरो ने। राजीव फिर से शेयर करते हैं, कर दीजिए शेयर बाबू कर दीजिए, क्या कीजिएगा, बहुत सारे खाते पे सो गया हो, कर दीजिए कम से कम। और बताइए सब मस्त हैं बाबू। प्रिंस पासवान जय श्री राम सर जी, जय श्री राम, जय श्री राम बाबू, जय श्री राम। हाँ धीरज कुमार, हाँ सर जी, 4 दिन का जिंदगी है, मस्ती से जी लेना चाहिए, बिल्कुल बाबू साहब बिल्कुल सही। क्या पता आज हैं कल ना रहें, बिल्कुल सही। हाँ तो जो कल हम पढ़ाए थे बाबू तो उसमें नेटवर्क किसी प्रॉब्लम होने के कारण कहीं पे दिक्कत हो गया था, वहीं से सेक्शन जो कल हम स्टार्ट किए थे वही सेक्शन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से, ठीक है। और जो कल का वीडियो था उसको प्राइवेट कर दिए हैं और आज वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल लगभग 15 मिनट में ही बंद कर दिए थे, 15 मिनट तो दिक्कत में डाल दिया था वो, इसीलिए हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ तक हम कल स्टार्ट किए थे, ठीक है।
तो दिए हैं भाई, एक समय खेलो सर, खेलो बाबू। ज्यादा नहीं खेला था सर, बाबू इतना अच्छा तुझे ना रहा, कैसे बोलते हैं? मेरे पास भी वीडियो आ रहा है बाबू, खाली आपके पास नहीं है। अब दिखा देखिए तो। मिस्टर राजीव रिस्पेक्ट, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। अरे शुरू तो करना है, ये कम से कम बेचारा को खुश होने दो, उतना मेहनत से बेचारा टाइप कर रहा है। क्वालिटी बढ़ा ले अमन। देखिएगा बाबू, यहाँ का जो नेटवर्क है, जो जियो अच्छी तरह चलता है, लेकिन यहाँ पे हम, मेरा सिम कार्ड एयरटेल का है, और एयरटेल का नेटवर्क यहाँ थोड़ा स्लो चल रहा है। तो जिस तरह से अगर जो मेरा नेटवर्क अच्छा रहता है तो इसका क्वालिटी भी अच्छा देता है, और नेटवर्क थोड़ा स्लो होता है तो इसका क्वालिटी भी स्लो कर देता है। इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, इसका क्वालिटी हमेशा कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, अपना क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा, 720 पर कर दीजिएगा, एकदम क्लीन दिखाई देगा। देखिएगा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक, अब बाबू मैट्रिक का ऑपरेशन करना है, ठीक? हालांकि मैट्रिक्स का करना है, पहला देखते हैं। इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स, आवाज जा रहा है? देखिए तो बोलिएगा तो। ठीक है तो देखिएगा, आवियों की समानता भाव, तो आवियों की समानता किसको कहते हैं वो समझिएगा। तो दो आवियु कब समान होता है, इसे देखिए, तो दो आवियु तभी समान हो सकता है जब दोनों आवियु का संगत एलिमेंट एक समान होना चाहिए, ठीक है? आवियु का संगत एलिमेंट जब एक समान होगा तभी वो जो आवियु होगा वो इक्विवेलेंट होगा, ठीक? यानी आवियु तभी समानता दर्शाएगा। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है 3, 4, 2, 5, ठीक? अगला ए बराबर दे दिया, अगला बी बराबर लिखा है 3, 4, 2, 5, ठीक? तो ये दोनों क्या आवियु समानता है, क्यों? क्योंकि इसका नियम होता है तभी समान हो सकता है जब इसका संगत एलिमेंट एक समान होता है। तो देखिएगा, इसका संगत एलिमेंट ए है ना, इसका संगत एलिमेंट ए है, इसका संगत एलिमेंट ए है, इसका संगत एलिमेंट ए, तो चारों के चारों संगत एलिमेंट एक समान है बाबू, तो इसलिए ये एक दूसरे के समानता, इसलिए 3, 4, 2, 5, ठीक है? इसको हम 3, 4, 2, 5 इसे हम लिख सकते हैं, एक दूसरे के समानता है, ठीक है? थोड़ा शेयर कर दीजिएगा बाबू, अभी जुड़े हुए थे, कुछ कुछ लोग चले गए हैं, यहाँ नेटवर्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, क्या कहें? ठीक है, तो इस पे देखिएगा बाबू, क्वेश्चन आएगा इस तरह से, एक्स वाई जेड टी, ठीक है? इधर देगा 2, 4, 3, 1, ठीक? अब देखिएगा बाबू,
इसमें बोलेगा x का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है, z का मान ज्ञात करना है, t का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यानी x y z तीनों का मान ज्ञात करना, चारों का। तब बोलेगा कि x का मान कितना होगा, तो x का संगत एलिमेंट 2 है इसलिए x बराबर 2। y बराबर पूछेगा तो y का संगत एलिमेंट 4 है तो x बराबर 4, y बराबर 4। यहाँ पे देखिए z है तो z का संगत एलिमेंट 3 है तो z बराबर 3। अब देखिए t है तो t का संगत एलिमेंट a है इसलिए t का मान 1 होगा, ठीक है। समझ में आया सबको? आया तो बोलिए। रोहित जी, राजेश राजीव, हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड। इसी पर अगला क्वेश्चन बताते हैं। एक्स प्लस वाई और 5 एक्स माइनस वाई बराबर 3 4 5 या 4 देते हैं, ठीक है। अब एक्स में पूछेगा बाबू कि एक्स बराबर भाट और वाई बराबर भाट, यानी एक्स और वाई दोनों का मान ज्ञात करना है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। जब देखिएगा एक्स प्लस वाई इस सब इसका संगत एलिमेंट 6, एक्स प्लस वाई बराबर होगा 6, फिर यहाँ पे एक्स माइनस वाई तो एक्स माइनस वाई का संगत एलिमेंट 4 है इसलिए इसका मान होगा 4। ये दोनों को बोलिएगा कहाँ लिखे इसका संगत, तब बाबू इससे हमको लिखने से फायदा है, हमको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, ये दोनों तो बराबर पहले से हैं, इसलिए एक तो ये समीकरण ले लिए, एक तो ये समीकरण लिए। इसका नाम होगा समीकरण 1, इसका नाम होगा समीकरण 2। अब देखिएगा ये दोनों समीकरण को यदि हम ऐड करेंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा, क्योंकि ऐड करेंगे तो वाई तो कट जाएगा। तब देखेगा समीकरण 1 प्लस 2 जब जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 6, फिर एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए ये तो वाई से वाई कट गया, ये एक्स एक्स 2x हो गया बराबर 6 और 10, 6 और 4 10, तो एक्स बराबर 10/2 काट देंगे तो 5, ठीक। एक्स का मान चला आया 5। आगे देखिएगा एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में यदि हम एक्स का मान रखेंगे तब देखिएगा कितना होगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर 6 है, तो एक्स प्लस तो एक्स का मान आया हुआ है 5, तो 5 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई बराबर 6 माइनस 5 बराबर 1, तो एक्स का मान आया बाबू 5 और वाई का मान आया 1, तो एक्स बराबर 5 वाई बराबर 1, ठीक। राजीव स्टूडेंट ऑफिशियल स्टडी ऑफिशियल, सही बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। किन्हीं को दिक्कत है? अमन जी, राजीव स्टडी ऑफिसियल, दिक्कत है? एफएक्स रोहित, आपको कहीं पे दिक्कत है बाबू? कुछ लोग लगता सो गए हैं जी, आप लोग समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। यहाँ ऑनलाइन क्लास चल रहा है, वो सब अपन भिड़ा लेने जे मत कही।
आगे देखिएगा बाबू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस जेड, फिर है वाई प्लस जेड, ठीक है, इतना पावर दे देगा फाइव, सिक्स, टेन, टू, ठीक है भाव। इसमें पूछेगा एक्स बराबर वाट, वाई बराबर वाट, जेड बराबर वाट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू। अब देखिएगा इसको बनाएंगे, एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो इसके देखिए, इसका संगत एलिमेंट ही है, इसका संगत एलिमेंट ही है, इसका संगत एलिमेंट ही है। तो देखिएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर छ, फिर समीकरण एक हो गया। दूसरा हुआ एक्स प्लस जेड बराबर दस, तीसरा हुआ वाई प्लस जेड बराबर दो, इस समीकरण दो हुआ, इस समीकरण तीन हुआ, ठीक है। अब देखिएगा बाबू, सर का नोट्स बना रहे हैं, इतना देर तक जगा रहते हैं बाबू, तो नहीं चलते हम रात रात भर जग रहे हैं, कितना मेहनत करके हम पढ़ा रहे हैं जो हम ही को पता है। देखिए ना, इतना मेहनत करके हम लाइव आ गए, उसके बाद भी देखिए कितना स्टूडेंट जुड़ा ले, सोचिए। और वो भी जान रहे बाबू एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हैं, कि कोई झोल झपेटा नहीं, आपका जितना भी क्वेश्चन आता है बाबू सब का सब एनसीईआरटी का होता है, और एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन रहता है, उसको तो खुद ऑनलाइन आकर पढ़ लेना चाहिए, कि एनसीईआरटी से ही पूरा क्वेश्चन आ रहा है बाबू, जितना भी क्वेश्चन आएगा सब का सब एनसीईआरटी से ही आएगा। नहीं राजीव, नींद नहीं आता, गजब। देखिएगा तो इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर सिक्स दिया हुआ है, y प्लस जेड बराबर दो दिया हुआ है बाबू। तो एक काम करें, यहाँ पर भी देखो y प्लस जेड है, यहाँ पर भी देखो y प्लस जेड है, तो इसका मान यदि हम एक में धर देंगे तो आराम से x का मान आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे x का मान, नहीं समीकरण एक में समीकरण दो का मान रखने पर, ठीक है बाबू। तो समीकरण दो नहीं तीन बाबू, तीन तीन का मान रखने पर ये तीन वाला उसमें मान धर देंगे, तो देखिएगा एक्स प्लस, यहाँ पर देखिएगा बाबू वाई प्लस जेड है, और वाई प्लस जेड बराबर आया है बाबू दो दिया हुआ समीकरण तीन, तो इसको लिख देंगे दो। यहाँ से देखिए वाई प्लस जेड है, यहाँ पर वाई प्लस जेड बराबर दो है, तो ये वाला जो मान है वाई प्लस जेड यहाँ पर ला कर धर दिए बराबर छ। फिर देखिएगा बाबू एक्स बराबर सिक्स माइनस टू बराबर फोर, ठीक, एक्स का मान चला है फोर, और एक्स का मान धर देंगे दो में तो आ जाएगा जेड का मान, यहाँ लिखेंगे एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, तो दो में यदि रखेंगे बाबू तो एक्स प्लस जेड बराबर दस, तो एक्स का मान चार होगा प्लस जेड बराबर दस, तो जेड बराबर दस माइनस चार बराबर छः, तो जेड का मान आएगा छः बाबू। और जेड का मान यदि हम तीन में रख देंगे तो वाई का मान चलाएगा, आगे लिखते हैं जेड का मान समीकरण तीन में रखने पर, तो यदि तीन में रखेंगे बाबू तो वाई प्लस जेड बराबर दो, ठीक है, तो वाई प्लस जेड का मान छः बाबू बराबर दो, तो वाई बराबर दो ही प्लस में छः उधर गया माइनस में छः, और दो में छः गया तो माइनस चार, ठीक है। किन्हीं को दिक्कत है बाबू, राजीव ऑफिशियल सर एनसीईआरटी का बुक बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा नहीं बहुत बड़का बड़का अच्छा, समझ रहे हैं, इतना अच्छा कि इसके सिवा एक भी बुक नहीं टिकेगा, एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी है।
आगे बढ़े बाबू। प्रदीप, हाय सर। हाय बाबू। हाय बोलता बोलता तुम्हारा हालत खराब हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना है, ठीक है? इसलिए समझिए हमारे बच्चे हैं, प्यार दिखा रहे हैं। रौनक तू में देखेगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आवयव का जोड़, तब देखिएगा आवयव का जोड़ बता रहे हैं। प्रदीप रिप्लाई, देखिएगा बाबू, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है बाबू, यानी अवयव का योग। तो अवयव का योग समझिएगा, तो अवयव का मतलब मैट्रिक्स का योग तभी संभव है जब दो मैट्रिक्स सेम कोटि का हो, समझे? यानी दो मैट्रिक्स का योग तभी संभव हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है? यानी दो गुने दो का मैट्रिक्स है तो अगला भी दो गुने दो का मैट्रिक्स होना चाहिए। जो अगर कोई 3 गुने 3 का मैट्रिक्स है तो अगला भी मैट्रिक्स होगा वो 3 गुने 3 का ही होना चाहिए, ठीक है? तब देखेगा बाबू, जैसे देखिए 3652, ठीक है, प्लस 9683। अब देखेगा बाबू, ये दोनों को जोड़ना है तो ये बोलेगा कि क्या मैट्रिक्स क्या संभव है जोड़ना? हाँ संभव है। कैसे? कि ये भी देखिए 2 गुने 2 मैट्रिक्स है, ऑर्डर में एक भी 2 गुने 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो ये जो है इसको हम योगफल कर सकते हैं। लेकिन आप बोलिएगा कैसा मैट्रिक्स रहेगा जिसको हम योगफल नहीं कर सकते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रदीप क्या रिप्लाई देगा वो, धन्यवाद बाबू धन्यवाद। देखिएगा ये दोनों, तो आप बोलिएगा कौन सा ऐसा मैट्रिक्स रहेगा बाबू जिसका हम रिप्लाई देना जरूरी है बाबू। पता नहीं क्या रिप्लाई दें। थैंक यू सर जी, थैंक यू बाबू, थैंक यू। देखिएगा तो इसको हम योग सकते हैं। अब बोलिएगा कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम नहीं जोड़ सकते हैं, तब देखिए 3652, 3873 21। तो देखिएगा बाबू, ये जो मैट्रिक्स है 2 गुने 2 का है और ये जो मैट्रिक्स है 2 गुने 3 का है। तो देखिए ये 2 गुने 2 का मैट्रिक्स है, 2 गुने 3 का मैट्रिक्स है, इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। आप बोलिए कैसे? देखिए 3 को हम 3 के साथ जोड़ देंगे, 6 को हम 6 के साथ, 8 के साथ जोड़ देंगे। लेकिन बाबू इस 7 जो बचा है इसको किसके साथ जोड़ेंगे, समझ रहे हैं? इसीलिए इसका नियम है कि दो अवयव तभी जोड़ना संभव हो सकता है जब दोनों का दोनों सेम कोटि का ऑर्डर होना चाहिए,
सेम कोटि का मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम अभियुग को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें देखिएगा, जो फल देने के लिए देगा, यहाँ लिख दिया -4, 5, 3, 2। ठीक है, अगला देगा 6, -5, 3, 2। इसका बोलेगा बाबू योगफल निकालना है। तो देखिएगा चार ई जो होता है आवयु, अब बोलिएगा आवयु को जोड़ेंगे हम कैसे। तो आवयु का जोड़ जो होता है बाबू, इसका संगत एलिमेंट को जोड़ा जाता है। संगत एलिमेंट जो होता है, संगत एलिमेंट जिसका, इसका संगत एलिमेंट ही होगा, इसका संगत एलिमेंट ही होगा, इसका संगत एलिमेंट ही होगा, इसका संगत एलिमेंट ही होगा। तो देखिएगा दो आवयु का यदि परिणामी मैट्रिक्स हो रहा है, मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा, मतलब ये दोनों को जोड़ का जो रिजल्टेंट आएगा, वो जो होगा दोनों संगत का योगफल होता है। यानी दो मैट्रिक्स का संगत एलिमेंट को जब हम जोड़ेंगे तो इसका परिणामी मैट्रिक्स आ जाएगा। देखिएगा वो यहाँ -4 + 6, यहाँ होगा 5, इसको जोड़ेंगे तो -5, यहाँ हुआ 3, यहाँ हुआ -3, यहाँ हुआ 2 + 2। ठीक है बाबू, अब देखिएगा 6 में से 4 गया तो बचा 2, +5 है -5 है, 5 में 5 गया बाबू, हो गया 0, क्या कि प्लस माइनस माइनस आया होगा, यहाँ पर देखे तो हो गया 0, फिर 2 2 4। देखिए ये इसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत है बाबू? प्रदीप कब से पढ़ाते हो बाबू? 9 बजे लाइव आते हैं पर डे। ठीक है ना, शाम में हम रेगुलर 9 बजे सब दिन आएंगे, पूरा 1 साल तक, जब तक बाबू थोड़ा सा फोन आ रहा है, फोन नोट डिस्टर्ब कॉलर डाल भी दिए हैं, उसके बाद भी कॉल आ जा रहा है। आगे देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। किन्हीं को दिक्कत हो रहा है? वीडियो साफ से जा रहा है ना अमन जी? देखिए अगला क्वेश्चन, अगला दे देगा sin²θ cos²θ। यहाँ दे देगा cos²θ, यहाँ दे देगा sin²θ प्लस cos²θ या sin²θ। यहाँ पर कुंदन राज,
हाय कुंदन राज जी, कहाँ थे इसके पहले बाबू? अभी आए हैं? देखिएगा बाबू, इसको इसका आंसर बताइए तो कितना होगा? कुंदन राज? यस सर। खाना खा रहे थे क्या बाबू? कुंदन जी, इंडिया वाला जी, सही बता रहे, आंसर वही हो गया। बेचारा को लिख ही नहीं आ रहा है। रोहित जी बिल्कुल राइट, रोहित जी बिल्कुल राइट। इसका आंसर दो लड़का बताए जी, बिल्कुल सही बताए हैं। प्रदीप इसका भी सही है, मैट्रिक्स को लिख नहीं पा रहे हैं चैट में ना जी, तो डायरेक्ट एक एक लिख रहे हैं। देखिएगा भाव, ये दोनों यदि हम जोड़ेंगे, यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों एलिमेंट जुड़ गया, अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे, यहाँ होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर इसका साथ जोड़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान एक, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका मान एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान एक, इसका मान देखिए बाहू एक आया। ठीक है, क्या करे बेचारा, आता है लाइव फिर चल जाता है, दिन भर का थका हुआ है क्या जी? क्या कीजिएगा, उन लोग का भी मजबूरी समझिए। बाबू लड़का ही एक ऐसा आदमी है, समझ रहे ना, जो दिन भर काम में बिजी रहता है, रात में किसी और के लिए रोता है। क्या बिल्कुल बात सही है? नहीं, देखिएगा कुंदन अमन जी को देखिए जी। हाँ सर, अमन जी का एक तो गाना बहुत फेवरेट है, कौन गाना है अमन जी, थोड़ा टाइपिंग कीजिएगा तो। अमन जी गाना थोड़ा टाइपिंग कीजिए ना। टाइप करिए, हम गा देंगे, टेंशन का ले रहे हैं आप, पहले टाइप कीजिए कौन सा गाना है। अरे यादव जी तो तू है, ये गाना का नाम बोल रहे हैं, कौन सा गाना था तुम्हारा फेवरेट? देखिएगा अमन जी के लिए एक शायर गा देते हैं, क्योंकि अमन जी थोड़ा मैं से थोड़ा ज़्यादा रिलेटेड रखते हैं, या तो हम ही को समझिए अमन जी को समझिए, दोनों बात बराबर है। कि मेरा दिल था, बोल दे, छोड़ दीजिए, मेरा दिल था साधारण, तूने दशमलव और भिन्न बना दिया। मेरा दिल था साधारण, तूने दशमलव और भिन्न बना दिया। मैं आशिक था सिर्फ तुम्हारा, तूने
तूने मुझे मैथमेटिशियन बना दिया। ये अमन जी के लिए था, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये बाबू की तो हो गया, और एडिशन का जो होता है बाबू प्रॉपर्टीया बता रहे हैं। रोहित जी बहुत बढ़िया सर जी, अमन जी वेरी नाइस सर, अमन जी धनबाद नाम नहीं लिखे हैं। एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, एडिशन का गुणधर्म है बाबू। एडिशन ये क्या लिखा बाबू, अगल बगल रंग ये नहीं था तुम्हारा फेवरेट, दूसरा है आप रहे ना लंका जी। देखिएगा जब पहला होता है बाबू तो फल का पहला नियम, इसका होगा योग का कर्मिनिमय नियम, देखिएगा बाबू। तो कॉम्पिटेटिव लॉ जो होता है अनेक योग का जो होता है बाबू कर्मिनिमय नियम, तो कर्म विनिमय नियम का अर्थ हुआ बाबू कि कर्म को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विनिमय करना, उसको कहते हैं कर्म विनिमय। हो तो मेरे जीबा, हाँ हाँ वही है समझ में। देखिएगा कंपेरेटिव लॉ योग का कर्म विनिमय नियम बाबू, योग का कर्म विनिमय नियम जो होता है, जैसे देखिए कोई मैट्रिक्स है जो ए प्लस बी है, ठीक है, तो उसको हम बी प्लस ए लिख सकते हैं, यानी इसको हुआ कर्म को विनिमय कर दिया, मतलब जो कर्म से बैठा हुआ था, ठीक है ना, तो उसको विनिमय, विनिमय मतलब आदान प्रदान, मतलब ए के जगह बी कर दिए, बी के जगह ए कर दिए, तो यदि दो योगफल बाबू और दोनों को यदि हम कर्म विनिमय करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा सेम आएगा। जैसे देखिए 2, 3, 4, 5 ये दे दिया बाबू ए बराबर, ठीक, फिर बी बराबर दे देगा 6, 5, 3, 2, ठीक है, ये हो गया बी बराबर, और तुमको बोलेगा ए प्लस बी निकाल दें, ठीक, तो 2, 3, 4, 5 यहाँ होगा प्लस 6, 5, 3, 2, इसको जोड़ रहे हैं 6, 2 प्लस 6 होगा यहाँ पे संगत एलिमेंट, डायरेक्ट अब जोड़ रहे हैं
टू और सिक्स एट हुआ, थ्री और फाइव एट हुआ, फोर और थ्री सेवन हुआ, फाइव और टू सेवन हुआ। ठीक है, ये तो हो गया ए प्लस बी। अगला देखिएगा, अगला आएगा बी प्लस है, इसको निकालना। तब बी का मान आया सिक्स है, फाइव है, थ्री है, टू है, प्लस ए का मान है टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है। ठीक, इसको जोड़िए, सिक्स और टू एट, फाइव और थ्री एट, थ्री और फोर सेवन, टू और फाइव सेवन। तो देखिए जितना इसका आंसर आया उतना ही इसका आंसर आया। इसका मतलब हुआ कि जब हम कर्म विनिमय करेंगे तो यो को कर्म विनिमय से पता चलता है कि दोनों का दोनों जब विनिमय करेंगे तो दोनों का आंसर सेम टू सेम आता है। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत है बाबू, बोलिएगा। रोहित जी, अमन जी, ठीक है आगे चलते हैं। बाबू इतना मेहनत का कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, मेन कंसेप्ट होता है, अगर जो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप मैथ कभी नहीं बना सकते हैं, इसलिए कंसेप्ट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हम भी जानते हैं एक्सरसाइज पढ़ाने के लिए, डायरेक्ट हम एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देते हैं, यानी सब कर विनिमय नियम, सहचर नियम, ये सब नहीं उकल जाते हैं। लेकिन बाबू आप जानते हैं कि हम थ्योरी और कॉन्सेप्ट का बादशाह है, या आप अच्छी तरह जानते हैं, हम नहीं, आप लोग खुद हमको बनाए हैं, तो इसलिए उसका फर्ज हमको निभाना पड़ता है। हम एक एक पॉइंट को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन हमको आता है, अब आपको भी पता हो कि इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो थ्योरी में ना था वो थ्योरी हम देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अभी तो अंक वाला दे रहा है तो थोड़ा ईजी से बन रहा है। कभी कभी क्यों होता है जेई मेंस एडवांस में यही थ्योरी पर डाल देता है, अब वो तकबर आपको बका जाता है, देखे क्वेश्चन में रहता यही, लेकिन थोड़ा इसी को बड़ा कर देता है तो देखने में कुछ अलग टाइप के लगता है। तो बाबू अगर जो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, थ्योरी नहीं पता रहेगा, तो आगे आप कैसे बनाइएगा। तो देखिएगा कि कॉम्पिटिटिव लॉ हो गया, योग का कर विनिमय नियम, दूसरा बाबू एसोसिएटिव लॉ, योग का सहचर नियम होता है दूसरा। योग का सहचर नियम, तो देखिएगा बाबू योग का सहचर नियम है कि यदि आपके पास तीन गो मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, और तीनों मैट्रिक्स को अगर जो हम एक दो दो को हम एक साथ जोड़ करके तीसरे का साथ जोड़ेंगे, या फिर पहला तीसरा को जोड़ करके हम दूसरा को अलग कर देंगे, तो उसका मान सेम टू सेम आएगा। जैसे देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी ए बाबू, तो इसमें क्या करेंगे हम इसको लेकर के एक इसको एक साथ लेकर के इसको बाहर निकाल दें, यही हम क्या करेंगे कि ए और बी को हम एक साथ करके हम सी को भी बाहर निकाल सकते हैं, और दोनों का बाहू मान सेम टू सेम आएगा, इसी को कहते हैं योग का सहचर नियम। ठीक है, आप एट क्लास में भी पढ़े होंगे, सेम वही है, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिएगा यहाँ पे यमन जी ऑफलाइन पढ़ाई चल रहा नहीं बाबू, ऑनलाइन से तो फोर साहब नहीं तो ऑफलाइन करने जाएंगे, एग्जाम चल रहा है तुमको पता नहीं, तू अपने आप के नवाब है, त्याग नवादवा वाला बचपन कम नवाब है, टाइम होगा फिर भी नहीं आएगा, समझ रहे ना, सब अपने आप के हिटलर है। देखिएगा बाबू इसका प्रूफ देख लीजिएगा, जैसे देखिए ए बराबर दे दिया टू थ्री वन फाइव, ठीक है, बी बराबर दे दिया फोर सिक्स थ्री टू, सी बराबर दे दिया एट सेवन टू फाइव। ठीक, अब देखिएगा बाबू
इन तीनों को हम इस नियम पर लेकर चल रहे हैं। तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चल रहे हैं। तो ए का मान जो है 2 है, 3 है, 1 है, 5 है, ठीक है, इसको एक साथ लिख देंगे। अब बी प्लस सी को हम एक साथ लिखेंगे, 4 है, 6 है, 3 है, 2 है, प्लस 8 है, 7 है, 2 है, 5 है, इसको देखिए हम एक साथ जोड़ देंगे। तो 2 है, 3 है, 1 है, 5 है, ठीक है, इसको यदि हम जोड़ेंगे बाहू, तो 8 4 12, 6 7 13, 3 2 5, 2 5 7, ठीक। अब देखिएगा इसको जोड़ते हैं, 12 2 14, 3 और 13 16, 1 और 5 7 छः, 5 और 7 12, देखिए इतना आ गया बाबू। मैं वापस आ गया, कोई बात नहीं बाबू, खाली इस दुनिया पर से नहीं जाइएगा, ठीक है ना, यहाँ से चल जाइएगा, लाइफ से कोई दिक्कत नहीं, यानी दुनिया चल जाइएगा तो फिर लौट के ना आइएगा, इसलिए सोच समझ के मेरे पास से जाइएगा तो चल ही आइएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा बाबू, इसको ए प्लस बी प्लस सी, ये राइट हैंड साइड चल रहे बाबू, इधर से देखिए, ठीक, तो राइट हैंड साइड में ए प्लस बी को एक साथ कर देंगे, सी को अलग कर देंगे। तो देखिएगा 2 है, 3 है, 1 है, 5 है, प्लस बी का मान है 4 है, 6 है, 3 है, 2 है, प्लस सी का मान 8 है बाबू, 7 है, 2 है, 5 है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों के एक साथ जोड़ेंगे, 4 2 6, 6 3 9, 1 3 4, 5 2 7, ठीक है, प्लस अगला जो है 8 है, 7 है, 2 है, 5 है, ठीक, इसको जोड़ दो, 8 6 14, 9 7 16, 4 2 6, 7 5 12, देखिएगा भाव दोनों का आंसर देखिए सेम आया, इधर भी इधर भी। तो इसका मतलब हुआ एसोसिएटिव लॉ में होता है कि यदि हम तीन को अगर मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा भाव, तो इसमें क्या होगा कि दो को हम एक साथ करके ए को हम निकाल देंगे, या तो फिर हम वो दोनों के एक साथ करके हम अगला को निकाल देंगे। अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे यानी, तो उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स दोनों का दोनों सेम होगा, ठीक है अमन जी। हाँ सर, क्लास 8 के लिए SST का मॉडल पेपर बताना है प्लीज सर। बाबू हम क्लास 8 के टीचर नहीं ना, हम 11 12 के हैं, 8 का उतना कौन तो टीचर है, बात कर लीजिए। आगे देखिएगा, किन्हों को दिक्कत है बाबू बोलिएगा। अगला देखिए, अमन जी देखिएगा, कैंसिलेशन ला है, ठीक है, कैंसिलेशन ला में देखिएगा, अगर जो मैट्रिक्स ए प्लस बी दे दिया और उधर बराबर के उस तरफ मैट्रिक्स दे दिया बी प्लस सी, ठीक है,
तो हम इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये बराबर सी के बराबर आएगा। आप बोलिए कैसे, तो देखिएगा भाव बी इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो इस तो डायरेक्ट कट जाएगा, इसलिए इसका मान ए बराबर सी के बराबर होगा। ठीक है, देखिए यमन जी के ऑफलाइन क्लास चल रहा है, अब यन बोले बाबू तू अभी हिंदी में लिखा, अभी तू उर्दू में लिख, तू इंग्लिश में लिखा था तब हम नहीं पढ़े थे। गजब गजब इंसान है, तोरा कहे मतलब क्या हुआ कि हमें इंग्लिश में नहीं आता है रे? अब ये बोले कि क्लास नहीं चल रहा है, अब फिर भी अरे हिंदी में लिखता है, अरे उर्दू में लिख तू, समझ रहा है? देख तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी ए बाहू, तब बी बी कैंसिल होकर ए बराबर सी के बराबर होगा। ठीक, ये कैंसिलेशन लॉ इसमें देखिएगा, इसका इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा, 2352 प्लस 3625 बराबर थ्री सिक्स टू फाइव प्लस 9235। देखिएगा बाबू इसको बोलेगा, इस मैट्रिक्स को आपको बोलेगा कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है क्या ये समानता है? तो देखिएगा यहाँ पे ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स देखिए, ये दोनों डायरेक्ट कट जाएगा, यदि डायरेक्ट प्लस में डायरेक्ट कट जाएगा तो ए बराबर सी होगा, यानी 2352 इसके बराबर बाहू अगला होगा 2352। ठीक, यही इसका आंसर होगा। तो इसमें क्या करेगा बाहू कि तो अंक वाला तुमको हम देकर समझाए, लेकिन उसमें क्या दे देगा, कोई फंक्शन होगा। ठीक है ना, इसे देखिए इसमें लिख देगा एक्स प्लस वाई, यहाँ भी देगा 3, यहाँ देगा 5, यहाँ लिखेगा एक्स माइनस वाई, फिर देखेगा वो यहाँ लिखेगा सिक्स थ्री फाइव टू, ऐसे लिखेगा वो। और इसमें एक्स पर एक्स और वाई का मान पूछेगा, एक्स और वाट और वाई और वाट, तो इसमें दिमाग लगाना देखिएगा डायरेक्ट कि ए वाला ए वाला दोनों देखिए मिल रहा है, तो ये डायरेक्ट हम कैंसिल कर देंगे, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो डायरेक्ट ये दोनों मिलेगा। तो इसमें लिखेंगे एक्स प्लस वाई, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस वाई, तो इतना बराबर बाहू, तो ये दोनों तो डायरेक्ट कट गए, तो यहाँ लिखाएगा 6352। ठीक है, अब देखिएगा बाहू एक्स प्लस वाई बराबर 6 होगा समीकरण 1, यहाँ पे एक्स माइनस वाई बराबर बाहू 2, इस समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण दो को तो आराम से बना सकते हैं, इतना में कौन सा ऐसा लड़का जो इसका आंसर दे सकता है, हम वेट करते हैं आपको लोग के लिए, देखते हैं कौन है जो सबसे आगे आंसर देता है। यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस वाई बराबर 6 और एक्स माइनस वाई बराबर 2 है, एक्स प्लस वाई बराबर 6 एक्स माइनस वाई बराबर 2, इसका आंसर बोलिएगा, जिसका एक्स का मान आ रहा है पहले पहले वो एक्स का मान बोल दीजिए, फिर वाई का मान बोलिएगा बाद में। अमन जी बोल रहे एक्स बराबर 4, एक लड़का का आया है एक्स बराबर 2 रोहित, आगे कोई देखिए बाबू, दोनों का डिफरेंस आया जी, क्या बात है, कुछ खोट है कि? एकदम दम भर मजा ले रहे हैं गांव का ना जी, बहुत
बहुत बढ़िया। जिरे गांव में जिरे उधर नहीं जाइएगा, समझिए रहे किधर। गाँव गए हैं तो थोड़ा एग्जाम देने के लिए जाइएगा, ठीक है ना। छोटू पोटू भी मांग नहीं करिएगा, ऐसा ना कि पूर्व हुआ जाए फिर हम रह जाए। जइहा न पुरुबा बलमुआ जदुआ मारे बंगाली निया, समझिए गए होंगे, इसलिए थोड़ा सोच समझ के। देखिए बाबू 100 बाई का मान निकाल रहे हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 6 है बाबू, एक्स माइनस वाई बराबर 2 है, तो एक्स एक्स हो गया 2x, कट गया बाबू वाई वाई तो हो गया 6 2 8, तो एक्स का मान हुआ बाबू 8/2, और काट देंगे तो 4 आया, ठीक है। फिर एक्स का मान रख देंगे, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यदि हम 1 में रखेंगे बाबू तो देखिएगा एक्स प्लस वाई बराबर है 6, ठीक। तो एक्स का मान आया 4 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई बराबर होगा 6 माइनस 4 बराबर 2, ठीक है। किन्हीं को दिक्कत है बोलिएगा। अमन जी समझ गए हैं ना, ठीक है। तो आज का सेक्शन हम यही समाप्त करते हैं, अगले दिन हम बाबू जो कल आएगा उसमें हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, उसका प्रॉपर्टी देखेंगे, और कल ही के दिन हम एनसीईआरटी का 3.2 भी स्टार्ट कर देंगे, काहे कि उसका प्रॉपर्टी है गुना बहुत, मल्टीप्लिकेशन छोटा है ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसी दिन हम तुरंत हम एनसीईआरटी का कल ही हम 3.2 स्टार्ट करेंगे बाबू, इसलिए जाइए एकदम आराम से सर, गुड नाइट, जाके एकदम सो जाइए एकदम, ये नहीं कि जाके हालों पर लग जाए, समझ रहे हैं ना, उसका झोल झाल नहीं मारिएगा, वो झोले करे लगे करते हैं उसका, इसलिए उसका झोल मारिएगा नहीं, चुपचाप एकदम सो जाइए, ये सवेरे उठकर अपना काम में लग जाइए, ठीक है, बाय।